accessing clients' information on internet is something very sensitive and it's very easy these days that just by clicking few tabs you are easily uh, available to see information which is being provided about the client on internet. now, how we can see uh, such kind of information on internet is very easy to understand. these days, the most important uh, social media is available to us in form of uh, फेसबुक इन फॉर्म ऑफ ट्विटर हैंडल इन फॉर्म ऑफ इंस्टाग्राम और आप जस्ट एक इंडिविजुअल इन, का नाम टाइप करके आप उसकी इंफॉमेशन के बेसिक्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं और वट वी कैन गेट आउट ऑफ इट वो इंफॉर्मेशन हमें जनरली क्या बताती है बेसिकली दैट इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडिंग आस दैट वट काइंड पर्सन दैट इज़ वट काइंड पिक्चर्स इज बीग डिस्प्लेड ऑन द सोशल मीडिया

सो so, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अगर क्यूरियस होगा कि वो जान सके अपनी क्लाइंट के बारे में और वो उसकी जो इश्यूज है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके बाय नोइंग हिम इन अ बेटर वे तो वो इजीली उसके अकाउंट्स को गूगल uh, कर सकता है और वो उससे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है सर्चेज यूजिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स आर लॉफुल एंड नॉट एथिकली प्रस्क्राइब इसके ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा लॉ नहीं बना हुआ कि आप किसी को सर्च नहीं कर सकते किसी को आप ढूंढ नहीं सकते इंटरनेट से और उसके बारे में आप जान नहीं सकते हाउ एवर थेरेपिस्ट मस्ट भी प्रिपेयर टू डील विद द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन दे डिसवर वेन नॉटेड प्रोवाइडेड टू दैम बाय द क्लाइंट्स लाइक अगर आप इसी तरह एक्सीडेंटली सर्च करते हुए किसी क्लाइंट के बारे में कोई ऐसी इन्फॉमेशन के बार को जान लेते हैं जो उस क्लाइंट ने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को डायरेक्टली नहीं दी लेकिन उस इंफॉर्मेशन को अपने तौर पर रिट्रीव किया गया है और फिर उसको शेयर किया गया है या उसको ट्रीटमेंट या असेसमेंट में कहीं पर रिलेट किया गया है तो इसके काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं क्योंकि इस तरह का इस्तेमाल करना लीगल नहीं है और दो इन्फॉर्मेशन लेना इलीगल नहीं है लेकिन उस इंफॉमेसन को जो क्लाइंट ने डायरेक्ट ना दिए उसे किसी जगह पर रिट्रीव करना या किसी पर्पज़ के लिए उसको रेफ़र करना आ, इस

डिस्कलोजर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट फॉर स्टोरीज डेट माइड अट्रैक्ट अटेंशन थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया बट टाइम्स आर चेंजिंग नाउ पहले लोग अपनी इस तरह की इन्फॉमेसन को क्लाइंट्स जो थे वो थोड़ा सा हाइड करना चाहते थे लेकिन आज कल बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स अपनी जो इशूज़ हैं इवन अपनी जो मैंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस करते हैं उनके ऊपर बात करते हैं बल्कि कोई इस तरह के इंसिडेंट्स या केसेज हो जाते हैं तो बाजा उसके ऊपर एक हैश टैग ट्रेंड बन जाता है जिसके ऊपर लोग जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिबेट करते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ मैनी डेज और uh, वो एक वो जो है नेशनल डिबेट की तरह या इंटरनेशनल डिबेट की तरह इमर्ज हो जाती है सो दीज थिंग्स आर चेंजिंग्स एंड वी जस्ट कान से कि एक क्लाइंट अपनी किसी भी प्रॉब्लम को इतना सीक्रेटली रखेगा एट टाइम्स वो खुद भी उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इन द फॉलोइंग केस वन थेरेपिस्ट हैज़ आर्ग्यूड दैट गूगलिंग हैज़ टॉट हम वैल्यूएबल थिंग्स अबाउट द क्लाइंट वो थेरेपस्ट का ये कहना था कि वो क्लाइंट्स के बारे में गूगल करता है और उनके बारे में उसको सोशल मीडिया से बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसको रूटीन की हिस्ट्री ट्रैकिंग में नहीं मिलती और उसकी वजह से उसका जो यूजल पेशेंट और थेरेपिस्ट रिलेशनशिप है उसके बीच में जो बातें उससे नहीं पता चलती वो उसको अदर देन गूगलिंग से पता चल जाती हैं जिसमें वो उसके ऑफिस अकाउंट से उसकी वर्क प्लेस से या उसके घर या उसके सोशल अकाउंट से उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी मालूम रिट्रीव कर लेता है ही एक्सप्रेस डैट बिलीव डेट नोइंग मोर अबाउट हिस क्लाइम हेल्ड हिम हेल्प हिम टू बिल्ड एम्पथी उस थेरेपिस्ट का ये ख्याल था कि जितना ज़्यादा आप अपनी क्लाइंट की पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में और उसकी जो है वो दूसरे लोगों के साथ डीलिंग के बारे में जानते हैं उतना ही ज़्यादा आप उसके लिए बेहतर तौर पर एम्पथी बिल्ड कर सकते हैं कि एक सर्टेन बिहेवियर जो उसने किया है उसकी रीज़न क्या है द की एथिकल चैलेंजेस इन्वॉल्व हाउ अ थेरेपिस्ट हैंडल द क्लाइंट डेटा एंड दैट ही और शी मे हैज बिन डिस्कवरिंग फ्राम द इंटरनेट यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये आता है कि वैन यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉमे विद यू वैन यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सो हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई कि ये इंफॉर्मेशन आप थेरेपी में कैसे यूज करेंगे उस इंफॉर्मेशन को आप उसकी सिम्टम्स के एलिवेशन के लिए कहीं पर आप कोई प्रूफ के तौर पर कैसे यूज़ करेंगे बिकॉज यू हैव बीन यूज बाय दिस 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 पर्सन सो दैट्स वाई दैट्स वाई यू आर रिएक्टिंग इन दिस मैनर सो यू शुड नॉट बी मीटिंग विद दैट पर्सन और यू शुड बी रिफ्रेनिंग टू हैव अ डिबेट विद दैट पर्सन ऑन सोशल मीडिया आई मीन आप उस सारी इंफॉर्मेशन को सम अप कैसे करते हैं उसमें से पॉइंट्स को पिक करके अपने ट्रीटमेंट के टेबल प्लान के ऊपर कैसे लेकर आते हैं